यूपी के सीन कुछ ऐसे है, देख सकते हैं आप पूरी वैली में बर्फ आ चुकी है। ये है साल की पहली स्नो, ऐसा नज़ारा है इस वक्त बहुत ही सुंदर। और हमारे को अभी एक दो इंच बर्फ पड़ी है और ये रही अपनी बेस्ट, ये रहा अपना रोड। और अभी आपको दिखाते हैं इस साल की फर्स्ट स्नो कुछ ऐसी है। हे गाइस, दिस इज माउंटेन लाइफ मनाली। तो कैसे हो आप सभी, तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी के सीन कुछ ऐसे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्नोफॉल फाइनली हो चुकी है। तो आज है 14 जैन और आज हुई है हमारे को फर्स्ट स्नोफॉल को देख दो इंच स्नो पड़ी है। और मनाली साइड आज शायद से आधा फुट स्नो पड़ी होगी। तो आज कुछ ना कुछ तूफानी करते हैं, तो करते हैं पहले अपनी बिस्ट को स्टार्ट, देखते हैं ये स्टार्ट हो पाती है कि नहीं। और बहुत ही ज़्यादा ठंड है, इसको स्टार्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं कहीं स्नो राइड करने। तो कुछ ऐसे सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ आज के सिनेमैटिक कुछ इस तरह से है। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी के सीन कुछ ऐसे है, ये रही अपनी बेस्ट पीछे। तो सबसे पहले इसको वार्म अप करते हैं, देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ठंड भी हो रखी है। तो पिछले कुछ दिनों में इसमें इशू आ रहा था, ये ठंड में स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो देखते हैं स्टार्ट हो पाती है नहीं, तो चलते हैं। तो गाइस कुछ ऐसा नज़ारा है आज का, स्नो राइड ना करूँ चिप्सी में तो ये हो नहीं सकता। और पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ, और पीछे पहाड़ों में हल्की हल्की धूप आना शुरू हो गई है। तो गाइज मैं आपको दिखा दूँ हमारे को कितनी स्नो पड़ी है। गाइज आप देख सकते हैं नहीं है, ऐसे तो इतनी पड़ी नहीं है, इतनी इतनी, बट अब इतनी एक रह चुकी है। पहले 2-1 इंच पड़ी थी, अब फाइनली 1.5 इंच बर्फ है अभी इस टाइम। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। कब उठे आप? किसने बताया कि बार स्नो पड़ेगी? दादी। क्या बोला? तो बच्चे अभी बर्फ का मजे ले रहे हैं, हर्षु और ऋषि। अपनी रिस्क को करते हैं स्टार्ट, तो देखते हैं ये स्टार्ट हो पाती है या नहीं हो पाती। तो कुछ ऐसे सीन है अभी के, तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं और फिर बात करते हैं। तो गाइस मैं आपको दिखा दूं बर्फ आ चुकी है, तो कुछ इस तरह से अब नज़ारा आ रहा है, बहुत ही खतरनाक वाला। और हल्के हल्के बादल है और आज तो मौसम पूरा क्लियर है। तो करते हैं पहले अपनी वेस्ट को स्टार्ट, देखते हैं स्टार्ट हो पाती है कि नहीं। तो सुबह तो मैंने एक बार ट्राई की थी, उस टाइम नहीं हुई थी। तो अब देखते हैं स्टार्ट करके कि स्टार्ट हो पाती है कि नहीं। 1, 2, 3 अभी नहीं हो रही है। तो पहले इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना पड़ेगा। तो पहले गर्म थोड़ा सा गर्म पानी डाल के देखते हैं, शायद हो जाए। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका बोनट। तो ये रहा कुछ ऐसे। तो गाइस ये लाया है मैंने गरम वाटर, तो इसको बैटरी के ऊपर डाल के देखते हैं। तो गाइस अब देखते हैं, गर्म पानी हमने डाल दिया है और अब स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट हो पाती है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी तो नहीं हो रही।
अभी तो स्टार्ट नहीं हो पा रही है। फिलहाल तो हमारी भी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, अब देखते हैं क्या होता है, कब तक स्टार्ट हो पाती है, आज के सीन्स क्या होते हैं। फिलहाल हम मनाली जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है आज कि हमारे को फर्स्ट स्नो पड़ी है। मैंने तो सोचा था इस बार हमारे को स्नो नहीं पड़ेगी। तो और एक बात मैं आपको और बता दूं, आज है 14 जैन और आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं, और जिसे कि हम साजा भी बोलते हैं। तो आज हम जाने वाले समृति के घर, जो भी मेरा ब्लॉग देते हैं आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो हम आपको बाद में बताएंगे साजा क्या होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं। जब भी किसी कुछ ऐसे खर्च वगैरह आपको धक्का लगा बस। तो फिलहाल अभी तो अपनी भी स्टार्ट नहीं हो रही है, स्टार्ट होगी तो हम आपको कहीं ना कहीं ले जाएंगे जरूर। और ये रही अपनी धनो, क्यों नहीं हो रही है स्टार्ट, ठंडा हो रहा है, तू बता क्यों नहीं हो रही ना। और आज क्या है, आज क्या है, आप सबको आज साजे की शुभकामनाएं। साजा होता क्या है, दूसरों के घर में बड़ों के जब उनको जूब देते हैं फिर उनका आशीर्वाद लेते हैं, और वो आशीर्वाद बदले हमें मिठाइयाँ देते हैं, जिसकी अभी देते हैं जिसकी मूंगफल देते हैं और तो आज नहीं आप जा रहे जो बन में तो राजेश में जाएंगे। तू भी जाएगा हाँ। तो गाइस कुछ ऐसा होता है साजे में, वो तो आपको बाद में दिखा दूँ। तो यहाँ का नज़ारा देखो बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे हो रही है हमारे जो गृह देवता होते हैं उनकी पूजा। तो सबसे पहले गिरी की पूजा होती है, उसके बाद आज का जो साजा हमारा है वो स्टार्ट होता है उनके आशीर्वाद से। तो मम्मी पूजा कर रही है अभी, तो अभी हम अपनी गिरी को देने वाले हैं जूब की डाली, और फर्स्ट जो जूब जाती है वो जाती है अपनी गिरी कोल्स को। तो कुछ इस तरह से पहले बोलता नमस्ते 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 नमस्ते। तो कुछ इस तरह से साजा मनाया जाता है। तो गाइस इस तरह से बच्चों को मिठाई और पैसे दिए जाते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं। बैठो है खाना खाना। आज बनने वाला है मटर पनीर, तो अभी उसकी कटिंग हो रही है। होम मेड पनीर खुद अपने गाय के दूध से बनाया है। नमस्ते आगे बैठना वापस। नमस्ते नमस्ते। किसका बेटा है तू, ये किसका बेटा है, तू किसका बेटा है। हाँ रुको ना, कहाँ जा रहे मिठाई आओ मिठाई मांगो। पैसे नीचे फिर से करना नमस्ते सबको। क्या पिसा था तो बोलो, किसका बेटा है तू, इस साइड है लाइट में।
लाइट में ऐसे है। किसका बेटा है तू है? कौन कृष्ण गार का मस्ते लेते हो कह रहा बच्चों के चेहरों में अलग ही खुशी है। और बचपन में हम भी ऐसे ही जाया करते थे गांव गांव में जो वे बांट रहे और एक्साइटमेंट अलग लेवल का रहता था। और ऐसे पैसे मिले तो तू तो बहुत अच्छा नमस्ते करता है, बहुत अच्छा नमस्ते यार, बहुत ही सेंसिटिव बच्चा। दूर से फिर जैसा हाँ। नमस्ते इसको नहीं देनी। और अभी पहुंच गए हमारे छोटे ब्लॉगर ईशान, कैसा लग रहा है? फिर ये बैग क्यों डाला है? ये ऊपर वाला पैसे के लिए? कितने पैसे मिला अभी तक? मेरे को नहीं देनी जो वो। अच्छा हमको सिखा रिया है दीदी को जा फिर। हमारे छोटे ब्लॉगर परे बैठ दूर से तब दिखते हैं। ये हमारे छोटे ब्लॉगर ईशान, नमस्ते नमस्ते। किसको दे रहा था जो? दादी बोल नमस्ते। दादी बैठो यहाँ, बैठो यहाँ बैठो। कुछ बैग नहीं है ज्यादा बड़ा है ये, 20 किलो का ये दिखा वाल। कितने कितनी उठाई आई इस ये तो दुशहर है वो कुआड़ी वाला बैग जो पास में देते हैं। बैठो है पैसे नीचे ही देखो। तो इस तरह से मनाया जाता है हमारा साझा।